चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन नंबर 20। इफ टेन इज इक्वल टू 1/√3 एंड ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो इस क्वेश्चन में एक राइट ट्रायंगल है और इसका नेम जो है वो है, इसमें जो बी एंगल है वो राइट एंगल है और गिवन क्या है कि टेन ए इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। और अगर आप एंगल ए लेते हो तो बेस जो होगा वो ए बी बेस होगा और परपेंडिकुलर बी सी होगा। तो टेन ए का फॉर्मूला होता है पी बाय बी, तो पी यहाँ पे बी सी होगा, बी सी अपॉन ए बी। सो लेट बी सी इज इक्वल टू के और ए बी इज इक्वल टू √3 के। तो अब हम इसमें पहले ए सी फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस लगाएंगे तो ए सी इज इक्वल टू होगा √√ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो इज इक्वल टू √√ ए बी की वैल्यू है √3 के होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 3k² प्लस के स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 4k² तो ये हो गया 2k। तो हाइपोटेनियस जो है वो हमारा 2k आ गया और बी सी हमने क्या सपोज किया है के और ए बी को √3 के लिया। और अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए और कॉस सी साइन सी। तो सबसे पहले इसमें हम इन्हें जब हम यहाँ पे इस एंगल को लेंगे तो आपको बताया था मैंने पहले कि ये वाले पार्ट बेस होंगे और ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, तो पी वाले जो साइड है वो बी सी होगा, बी सी अपॉन ए सी। और बी सी के जो वैल्यू है हमने निकाला था वो है बी सी की के और ए सी की 2k, तो k से k कैंसिल, सो 1/2। और अगर आप cos a निकालोगे तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस जो हो गया इसका ए बी होगा और हाइपोटेनियस ए सी। सो इज इक्वल टू √3k अपॉन 2k, k से k कैंसिल, सो √3/2। और साइन सी जब हम निकालेंगे तो बेस बी सी हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए बी होगा। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो इसमें भी साइन सी का फॉर्मूला था पी बाई एच, तो इसमें पी ए बी वाले साइड होगी और हाइपोटेनियस वही ए सी रहेगा। तो ए बी की वैल्यू √3k और ए सी का 2k, के से के कैंसिल, सो √3/2। और कॉस सी का जो होगा इसका होगा बी बाई एच, तो बेस बी सी होगा और हाइपोटेनियस ए सी, सो के अपॉन 2k, के से के कैंसिल, सो इज इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, सो इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू 1/2 है और कॉस सी की भी 1/2 है, प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2 इंटू √3/2, सो इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4। और इसका एलसीएम 4 होगा ये 1+3, सो इज इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कैंसिल, सो इज इक्वल टू 1, सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।